देखिए, आज हम ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखेंगे सी लैंग्वेज में। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले तो मैंने ब्रेक स्टेटमेंट का सिंटैक्स लिखा है, वो किस प्रकार यूज करी जाती है किसी प्रोग्रामिंग में या प्रोग्राम में। तो देखिए, हमें ये किस लिए काम में ली जाती है। सबसे पहले तो ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट हम लूपिंग के दौरान काम में लेते हैं, जब हमें किसी लूप से बाहर निकलना होता है तब हम इसका उपयोग करते हैं। देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट का प्रयोग लूप के निष्पादन का अंत करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट क्रियान्वित होता है, निष्पादन का क्रम लूप के बाहर अगले स्टेटमेंट पे आ जाता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट आती है लूप के अंदर, उधर से ही वो एग्जीक्यूशन ब्रेक हो जाता है। और ब्रेक हो, जैसे इसमें देखिए, फॉर लूप था, फॉर लूप ये पूरा चल रहा है, इसके अंदर इधर पे ये ब्रेक स्टेटमेंट आई। ठीक है, जैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट इस लूप के अंदर आई, ये आपका एग्जीक्यूशन ब्रेक हो गया और कंट्रोल इस लूप से बाहर आ गया और नेक्स्ट स्टेटमेंट को इंप्लीमेंट करने लगा। तो दैट इज द यूज ऑफ ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, देखिए, इधर पर डू वाइल लूप था, डू वाइल, इसमें क्या हुआ, जैसे ही इधर पर ब्रेक कंडीशन आई, ब्रेक कंडीशन ने फौरन इधर से एग्जीक्यूशन ब्रेक हो गया और ये सीधे नेक्स्ट स्टेटमेंट में लूप के बाहर आ गया। तो ब्रेक स्टेटमेंट ने क्या किया, पहले तो लूप को ब्रेक कर दिया और कंट्रोल लूप से बाहर आ गया। ठीक है, और जो भी नेक्स्ट स्टेटमेंट थी लूप के बाहर, उधर से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया। दैट इज द यूज ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। देखिए, अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट भी लूपिंग फंक्शन के दौरान ही यूज में आता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट लूपिंग फंक्शन के दोहराव रिपीटेशन को बीच में छोड़ के, जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आता है वो लूप को उधर ही छोड़ देता है, जिस जगह पे कंटिन्यू स्टेटमेंट है उधर ही छोड़ देता है और वापस कंट्रोल कंडीशन पे ले जाता है, लूप की कंडीशन पे, और वापस से लूप को निष्पादन स्टार्ट कर देता है। देखिए, एक दो सिंटैक्स दो एग्जाम्पल बता रखे। व्हाइल व्हाइल लूप में देखिए किस तरीके से, और वापस से लूप का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा, यानी जो करंट लूप चल रहा था उसको बीच में ही ब्रेक कर देगा और बीच में ब्रेक करके वापस लूप के शुरू में पहुंच जाएगा और उधर से वापस कंटिन्यू लूपिंग में स्टार्ट हो जाएगी। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट, लूप को एक बार वापस पुनः आरंभ करना। दैट इज द फंक्शन ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए, डू वाइल में भी ऐसा ही करता है। डू वाइल में कंडीशन नीचे होती है, तो देखिए, जैसे ही ये डू वाइल का पूरे बॉडी है, इसमें जैसे ही कंटिन्यू स्टेटमेंट आया, इधर पे ही लूप ब्रेक हो गया और लूप ब्रेक होके वापस कंडीशन पे चले गया और वापस से लूप प्रारंभ इसने कर दिया। ठीक है, वापस से जो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क करती है। कंटिन्यू स्टेटमेंट लूपिंग फंक्शन के दौरान रिपीटिशन को बीच में छोड़ के पुनः पहले फंक्शन से निष्पादन आरंभ कर देता है। दैट इज द फंक्शन ऑफ द, हमने दो स्टेटमेंट पढ़ी, ब्रेक स्टेटमेंट एज वेल एज द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन द सी लैंग्वेज। आई एम आशीष कुमार ममोदनिया फ्रॉम जेपीसी राजसमंद।